बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये गार्लिक को जो है वो पानी लगाया जा रहा है। इसमें गार्लिक जो है वो बो दिया हुआ 8-8 इंच के फासले पे। तो अब इसको पानी लगाया जा रहा है। एक दफ़ा इसको जो है वो मुकम्मल तर बतर कर देना है, ताकि जो है वो टॉप तक जो है वो इसको जो है वो नमी पहुंच जाए। ये जब एक दफ़ा पानी इसको जो है वो लग जाएगा, पहली दफ़ा में जो नमी ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो इसके जो है वो आप देख रहे होंगे बेड जो है वो कुछ कुछ जो है वो ऐसे खुल से गए हुए हैं, और सीड जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर हो जाता है। तो इसको बाद में जो है वो हमें बंदा लगा के कदा या जितना भी हमारा खेत हो, इसको जो है वो दोबारा जो है वो दबाना पड़ता है, ताकि जो है वो उसकी ग्रोथ सही हो और जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो। ये देखें, ये जो है वो आपको कुछ बीज जो है वो ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं, और बेड जो है वो थोड़ा सा नीचे बैठ गया हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा जो है वो बेड अपनी सेटिंग करता है, फिर उसके बाद जो है वो एक जगह जो है वो ये सॉलिड तरीके से जो है वो स्टैंड करता है। अब ये देखें, ये जी जो बीज ऊपर है उसको जो है वो हम थोड़ा थोड़ा नीचे पुश कर रहे हैं, और सीड को कवर कर रहे हैं, ताकि जो है वो उसकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो और कोई भी जो है वो सीड ज़ाया ना हो। इस हिस्से को जो है वो बिल्कुल तर बतर कर दिया गया है, और इसके जो है वो एक दफ़ा जो है वो गार्लिक का जो सीड है उसको भी दबा दिया गया है। ये देखें, ये बेड के ऊपर तक मुकम्मल तौर पर नमी जो है वो आ गई है। कुछ जगह पे थोड़ी थोड़ी सी नमी ऊपर वाली आने वाली रह गई है, वो इंशाल्लाह वो भी जो है वो आ जाएगी। जैसे ही हम जो है वो बीज बोएंगे बेड के ऊपर, तो जितने हिस्से में हमने बीज एक बार बो दिया है उसको जो है वो हमें पानी लगाना है और तर बतर खोरी तरह पे कर देना है, ताकि जो है वो गार्लिक का जो सीड है वो धूप की वजह से जो है वो ख़राब ना हो, और उसको जो है वो पानी फौरी तौर पे मिल जाए और उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। जिस बीज को पानी या नमी नहीं मिलेगी और उसको धूप लगती रहेगी, वो बीज हमारा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा ड्राई होने की वजह से जो है। इस हिस्से को भी पानी मजीद लगाया जा रहा है, ताकि जो है वो नमी जो है वो बेड के टॉप तक जो है वो ट्रैवल कर जाए और जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। जब
जब नमी पूरी जो है वो बेड के टॉप तक जो है वो आ जाएगी, इसके बाद जो है वो इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर मल्चिंग डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको इस प्रोसेस को दिखाएंगे इंशाल्लाह कि स्प्रे कैसे करना है और कौन सा स्प्रे करना है और मल्चिंग कैसे डालनी है इसके ऊपर। इस वीडियो में जो है बस इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे इसकी प्रोसेस को जो है वो शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।